हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा व्लॉग की शुरुआत कर लेती हूँ। कुछ रेसिपीज़ थी मेरे पास, तो मैंने कहा मैं आपसे शेयर करती हूँ। श्री चली गई है कराटे, तो वीडियो में बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। देखो, सुबह से तीसरी चौथी बार कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं आपसे वीडियो शेयर करती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। इवनिंग का टाइम हो रहा है, चाय पानी का। मैं चाय पानी बनाती हूँ और आपसे मैं कुछ रेसिपीज़ हैं जो लास्ट नाइट की, वो शेयर कर रही हूँ। तो कमेंट ज़रूर करना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो, ये हमारा तरीका है गेट बंद करने का, अंदर और बाहर दोनों साइड। श्री कराटे चली गई है। धूप आजकल बहुत ज़्यादा है, तो मैं नहीं जाती हूँ, श्री के दादी जाते हैं, स्कूटी से छोड़ के आते। अब मैं करती हूँ एडिटिंग। मैंने एडिटिंग करी नहीं और मैं शेयर करती हूँ। आप बताना मौसम कैसा है वहाँ का। कल बहुत बारिश थी यहाँ पर, आज बारिश नहीं है तो फिर धूप हो गई है। कल एकादशी है, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, कल निर्जला एकादशी है, तो आप सब लोगों को हैप्पी एकादशी इन एडवांस। तो कल के लिए सावधान रहिए, मतलब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कल बहुत गर्मी होने वाली है। जितना दिख रहा है ना, बादल हैं। कल एकादशी है, माना जाता है 12 एकादशी के बराबर एक एकादशी होती है, तो हम भी तैयारी करते हैं कल एकादशी की, निर्जला एकादशी की। आप भी करें। ये वट सावित्री के दिन से पहनी थी, कल 12 दिन हो जाएंगे। कल इसे किसी पौधे में चढ़ा देंगे। ये एक माता को चढ़ाना होता है, मेरी वीडियो में आपने देखी होगी। ये वही माला है जो हाईलाइट हो रही है। चलो बने रहना वीडियो में, मैं शेयर करती हूँ कल रात हमने क्या बनाया था, क्या क्या रेसिपीज थी मेरे पास। देखो देखो जादूगर आया। अरे बोलो, देखो देखो जादूगर आया। ए जादूगर, तुम्हें बाहर निकलता वो कपड़ा। औषधन माता, औषधन दीदी, जो श्री का स्टडी टाइम, श्री स्टडी करती है ना, वो वाला जिसमें दादू लगे थे और दादी। अरे ओ आ ई ई सुनो, ओ आ ई ई ओ ए आई ओ आ अंक आ, ओ आ ई ई ओ ओ ए आई ओ आ अंक आ, का खा खा। ए बी सी डी सुनो, ए बी सी डी ई एफ जी। आते देखे एलवी पी को बनाती हूं, ई डब्ल्यू एन डब्ल्यू एक्स वाई जी। इतने फास्ट कौन सुनाता है। 1 2 सुनो, 100 तक आते हैं आपको। एक पूरे बुक पार हो गए ना। कोई पोएम सुनाओ, पोएम राइम सुनाओ, राइम। देखो देखो जादूगर आया, स्वरों की मात्राओं को लाया। बोलो, स्वरों की मात्राओं। देखो देखो कहाँ है जादूगर, स्वरों की मात्रा कहाँ है। स्वर की मात्रा है आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा। जिस भी अक्षर में लग जाती, उसमें अपनी आवाज मिलाती। देखो देखो जादूगर आया, क्या लेके आया जादूगर। बुक क्यों फाड़ते हो आप। होमवर्क डन हुआ नहीं हुआ, होमवर्क डन हुआ नहीं हुआ। नहीं देखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू बैंगन की सब्जी, थोड़ी दूसरे स्टाइल में बना रही हूँ। एक तो सूखे सूखे बनते हैं, हल्की सी ग्रेवी वाली बना रही हूँ मैं, जो अगर आप चाहो तो चावल के साथ भी खा सकते हो।
और एक और सब्ज़ी बनाऊंगी मैं, कुछ लोग बैंगन नहीं खाते तो दूसरे में बनाऊंगी आलू फ्राई, जीरा आलू। तो अभी पहले मैं बैंगन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने तेल गरम कर लिया है। उसमें प्याज लहसुन हरी मिर्च अच्छे से ब्राउन होने तक मैं इसे भूनूंगी, जब ये हल्का हल्का ब्राउन हो जाएगा तब तक। और बैंगन का एक चीज़ है, वैसे तो ज़्यादा लोगों को पता ही है, पहले मुझे नहीं पता था, बैंगन जब भी आप काटते हैं तो बैंगन को लास्ट में काटना चाहिए, नहीं तो ये रेड हो जाता है, बोलते हैं कसैला इसका टेस्ट आता है। और इसको पानी में ज़्यादा देर तक रखना चाहिए। देखो बैंगन जो है ये हमने छत में उगाए हुए हैं, ये हमारे अपने बैंगन हैं, ये पापा जी ने छत में बैंगन लगाए हैं, ये वही बैंगन है। पहले मैं क्या करती हूँ, आलू काट लेती हूँ, उसके बाद मैं बैंगन काटूँगी। तो मैंने ये फ्राई होने के लिए रख दिए है, जब तक हमारे प्याज और लहसुन भुनते हैं तब तक मैं एक सब्ज़ी काट लेती हूँ, क्योंकि सब्ज़ी काटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पहले मैं आलू काट लेती हूँ फिर बैंगन काटूँगी। तो आप भी मुझे ज़रूर बताना कि आप किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर करी थी भरवा बैंगन, वो भी हमारे छत के ही थे। और इस टाइम मैं बना रही हूँ बैंगन की ग्रेवी वाली सब्ज़ी, होप आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये टेस्टी बहुत होती है। बट ये है कि बैंगन में ज़्यादा मात्रा में थोड़ी सी प्याज और टमाटर ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, और लास्ट में इसकी सीक्रेट जो रेसिपी है वो यही है कि अमचूर अच्छी मात्रा में डालें लास्ट में इसमें, तो ये काफ़ी टेस्टी होती है। वैसे पर्सनली मुझे ये सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं होती है, मुझे भरवा बैंगन पसंद है और भरता। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि बैंगन की ये रेसिपी मेरे घर में सबको पसंद आती है, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। और साथ में मैं क्या क्या बनाती हूँ आप देखते रहना, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, कमेंट ज़रूर करना। सब्जी काटने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है, मेरा ये है कि एक बैंगन के मैं चार हिस्से करती हूँ और बीच से दो कट कर देती हूँ। मुझे ज़्यादा मोटा भी नहीं अच्छा लगता है और ज़्यादा पतला भी नहीं, तो मैं इक्वली काट के रख देती हूँ चार पीस बना के। देखो चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, मुझे ज़्यादा लंबे लंबे भी नहीं पसंद। प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया, इसी टाइम पर मैं इसमें डाल रही हूँ आम मिर्च, हल्दी, नमक, धनिया अच्छी मात्रा में, और गरम मसाला जो मैं डालूँगी वो लास्ट में डालूँगी जब ये पक जाएगा। और या तो आप सारे मसाले पानी में मिला के डाल सकते हैं, या फिर मसाले के ऊपर पानी डाल सकते हैं, तो मैंने मसाले के ऊपर पानी डाला है। और ये इसे तब तक पकाऊँगी जब तक ये तेल नहीं छोड़े। और अगर आप चाहें तो इसी टाइम पर इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं, या आप थोड़ी देर में भी डाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, थोड़ी सी पकने के बाद टमाटर डाल दिया, अब साथ ही ये दोनों एक ही साथ तेल छोड़ेंगे। ये देखो, क्योंकि सब्जी का जो मेथड है, जब तक मसाला नहीं पकता तब तक वो पकते नहीं है। तो मैंने अच्छे से अपना मसाला पका लिया है, तेल उसने छोड़ दिया है, और अब कटे हुए आलू बैंगन मैंने डाल दिए है। इसे अच्छे से चलाने के बाद, जब तक इसमें मसाला नहीं मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूंगी, और फिर इसमें थोड़ी सी मैं इसमें पानी डाल दूंगी, जिससे सब्ज़ी लटपटी सी बने। क्योंकि ये सब्ज़ी बनाने का मकसद ही यही है, सूखे सूखे नहीं बनाने हैं ये, लटपटी। अगर आपको सूखे सूखे पसंद है तो आप ऐसे ही बंद कर सकते हैं, ढक्कन लगा के छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ इसमें हल्का सा पानी डालें, जैसे मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला है। और इसको थोड़ी देर तक पकाऊंगी, आधा घंटे के करीब, या उससे पहले एक बार आप ओपन करके चेक कर लेना आलू गल गए, क्योंकि बैंगन तो बहुत जल्दी पक जाते हैं।
अगर आलू गल जाएंगे तो ये सब्ज़ी भी पक जाएगी। और अब मैं दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। कुछ उबले हुए मैंने आलू रखे हुए हैं, मैं जीरा आलू बना रही हूँ। जब तक मेरी ये सब्ज़ी हाई फ्लेम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि थोड़ी एक उबाल आने तक मैं हाई में करूँगी, उसके बाद मैं लो फ्लेम कर लूँगी। ये देखो अब मैं आलू छील रही हूँ, मैं बनाऊँगी जीरा आलू। छोटे छोटे हैक्स हैं, जैसे जो मैं सब्ज़ी बना रही थी तब तक मैं यहीं पर थी तो मैंने अपना दूध गर्म कर लिया। दूसरे भगोने में मेरा दूध गर्म हो गया, इससे टाइम कम लगता है। वैसे हमारा ज़्यादा टाइम लगता है किचन में खाना बनाने में। अभी 7:30 बजे आई थी तो इसके बाद मुझे रात में कम से कम हम 10 बजे तक खाते हैं तो ज़्यादा टाइम लग जाता है बनाने में। 3-4 चीज़ें मैं बनाऊँगी तो थोड़े से टाइम ही लग जाएगा ज़्यादा। देखो इतनी देर में ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी पक गई है, थोड़ी सी कम पकी है। तब तक मैं इसमें डाल देती हूँ अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर बहुत सारा मैंने डाल दिया है। थोड़ी देर और पकाऊंगी क्योंकि अभी थोड़ी सी पानी सी और दिख रही है, हल्की ग्रेवी चाहिए। और तब तक मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ। और लास्ट में मैं इसमें गार्निशिंग के लिए डाल दूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी से भी इसका जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है, सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी हो जाती है। कसूरी मेथी डालने के बाद थोड़ी सी 2 से 3 मिनट में इसे पकाऊंगी, 1-2 मिनट, और ये सब्ज़ी इस तरीके से हो जाएगी। और ये आप चाहे तो इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। देखो अब जो मैं बनाने जा रही हूँ, बना रही हूँ जीरा आलू। आलू मोस्टली लोगों को पसंद ही होता है, कोई जीरा आलू पसंद करता है, कोई राई वाले आलू, कोई मिक्स आलू मतलब लाल मिर्च हरी मिर्च वाले, तो कोई पूरे के पूरे मसालेदार आलू। आलू ऑलमोस्ट लोगों को पसंद ही होती है, किसी को हींग वाले आलू। तो मैं बनाने हूँ जीरा आलू आज। ज़्यादातर सफ़र में भी ये आलू पसंद होते हैं, ज़्यादातर लोग ले जाते ही हैं। अच्छी मात्रा में जीरा डाल दिया मैंने, हरी मिर्च डाल दी है, आलू मैंने जो रखे उबले हुए, और हल्दी मैं इसी टाइम तेल में डालूँगी क्योंकि इससे कलर अलग सा आता है। और आलू मैंने जो उबले हुए थे वो डाल दिए। अब मैं डालूँगी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च बस। इसको अगर ये आप चाहें तो लोहे के कढ़ाई में अगर इसको पकाएंगे तो क्रिस्पी हो जाएगी, इसमें थोड़ी सी कम क्रिस्पी होगी। बट आलू हर तरीके से पसंद है तो मैंने ये उन लोगों के लिए आलू बना दिए हैं जो लोग ये बैंगन पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ी सी 2 से 3 मिनट और अच्छे से पकाऊंगी मैं इसको, ये तेल छोड़ देगा, आलू हमारे रेडी हो जाएंगे। तो आप मुझे बताते रहना आपको कितना टाइम लगता है खाना बनाने में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लग जाता है, 1-2 वैरायटी और बनानी है। अब मैं बनाऊंगी दाल। दाल श्री के पापा दाल लेते हैं नाइट में। अब मैं सिंपल सी दाल बना रही हूँ और साथ में राइस बनाऊँगी, फिर रोटी बनाऊँगी। इस टाइम तक हमें 9 बज जाते हैं खाना पीना बनाने तक, और खाते खाते 10:30 हो जाते हैं। होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।